शेरिकी दुनिया और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। और इस वक्त अमजा हानिया दोनों स्कूल जा रहे हैं। अमजा स्कूल जाते हुए रोते तो नहीं आप? नहीं। और स्कूल जाते हुए अमजा प्यारी से पप्पी देते हैं, और पप्पी ये गुड मॉर्निंग की पप्पी। और इस वक्त बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कितने पेपर हो गए? तीन पेपर रहते हैं, दो रहते हैं भाई, भाई पेपर। और हानिया इस वक्त आ गई। हानिया कैसी हो आप? क्या खा रही हो? बादाम। अच्छा, सुबह उठ के बादाम क्यों खाते हैं? जाके दिमाग चले। ओ गाड़ी 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 दिखाओ 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 भाई। सुबह उठ के जो बच्चे बादाम खाते हैं उनका दिमाग चलता है। हाँ। तो मैंने सुना आप जब पेपर देती हो तो जब भी बादाम खाती हो गया। हाँ। हाँ? हाँ। यार फाइनली इस वक्त गाड़ी आ गई है। जल्दी 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 भाई वैन आ गई है। हाँ नहीं यहाँ अहमद की वैन आ गई। चलो भाई चलो भाई जल्दी जाओ जल्दी 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 वैन कहाँ खिड़की से झाँक रहे हो तुम? चलो अल्लाह हाफिज भाई। इस वक्त आज फाइनली हम इस गुड मॉर्निंग में और इस प्यारे से मौसम में साइकिलिंग करेंगे। और ये है हमारी शिमानो, सही है भाई, सिक्स गियर। ठीक है, ये अहमद चलाते हैं, आज हम इसको चलाएंगे। आ जाओ, ये देखो ये प्यारी सी सुबह और इसमें साइकिलिंग। चलो भाई भाई आज मैंने सोचा कि आज हम मॉर्निंग में साइकिलिंग करेंगे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि वॉक तो करती हैं लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। साइकिलिंग में बड़ा मज़ा आएगा और साइकिलिंग के अपने ही मज़े हैं भाई। भाई हमारे अंकल देखें वॉक कर रहे हैं। ओ अंकल कैसे हैं? और अंकल जो है ना रोजाना सुबह वॉक करते हैं और हम साइकिल पे और अंकल वॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं आप भाई। इस वक्त सीन ये है कि आज की इस मॉर्निंग में हम साइकिलिंग कर रहे हैं और साइकिलिंग के अपने ही फ़वाद हैं। और अगर आप सुबह वॉक करें और अगर सुबह आप साइकिलिंग करें तो भाई वॉक से जितने बेनिफिट्स होते हैं उतने ही साइकिलिंग से भी बेनिफिट होंगे। तो आज हम अपनी साइकिलिंग पे सुबह मॉर्निंग में नया नाजवाद का चक्कर लगा रहे हैं। और सीन ये है भाई, मज़ा आ रहा है, मौसम अच्छा है, गर्मी नहीं है, सूरज नहीं है। सूरज की जब तपिश होती है तो फिर आप ना वॉक कर सकते हैं और ना साइकिलिंग कर सकते हैं। तो नया नाजवाद की जो सुबह है वो बहुत खूबसूरत है, अबर छाया हुआ है और बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है और साइकिलिंग के अपने ही मज़े आ रहे हैं। और पता है साइकिल पे तो आप बहुत दूर तक जा रहे हैं, तो अभी मैं जो है ना नया नाजवाद की चौरंगी घूमूंगा, दुनिया चौरंगी से आते हैं भाई। ये देखिए ये सीन, और ये हम इस वक्त चौरंगी घूम रहे हैं। भाई इस वक्त मैंने अपनी साइकिल खड़ी कर दी है और अंकल को ज्वाइन कर लिया है, और अंकल के साथ इस वक्त हम जॉगिंग कर रहे हैं। आप दिस इज नॉट अ वॉक, ये जॉगिंग है। और रोज़ाना अंकल जो है ना फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद ना कितने चक्कर अंकल? पांच चक्कर भाई। और उम्र माशाल्लाह से अंकल कितनी है? उम्र नहीं रखा भाई, अंकल बोल रहे उम्र मत पूछो लेकिन माशाल्लाह से अंकल की ये रूटीन है कि नया नाजवाद में अंकल जो है ना वो वॉक कर रहे होते हैं और जब ये चले जाते हैं तो फिर मैं आता हूँ
मेरी तो सांस फूल रही है यार। और अंकल देखे, अंकल असल में रोजाना करते इस वजह से। ओके जनाब, इस वक्त हमने जो है अपनी साइकिलिंग कर ली है। भाई आज मेरा मूड हो रहा था कि मैं साइकिलिंग करूं, तो आज हमने अपनी जो साइकिल है, और ये लोग समझते हैं कि ये अमेज़ा की साइकिल है, भाई ये मेरी साइकिल है और अमेज़ा चलाते हैं। अच्छा, मैं जब शादमान में था बहुत साइकिलिंग करता था वहाँ पर ना, और जब से मैं नया नाजबाद में आया हूँ तो नया नाजबाद में सिर्फ मैं वॉक करता हूँ। असल में ये होता है कि यहाँ वॉक की इतनी खूबसूरत जगह है कि आप यूँ सीधा जाएँ और सीधा आ जाएँ। साइकिल में तो आप पूरा नया नाजबाद का चक्कर लगा सकते हैं। हमारे दोस्त हैं विक्की भाई, वो रोज़ाना शाम में अपने घर से निकलते हैं ए ब्लॉक से और डी ब्लॉक तक साइकिलिंग करते हैं। उनका काम ही साइकिलिंग, उनके पास बहुत प्यारी सी साइकिल है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ सिर्फ साइकिलिंग ही करते हैं, वॉक नहीं करते। लेकिन वॉक जो है वो थोड़ी मुश्किल होती है और साइकिलिंग आसान है, लेकिन साइकिलिंग भी करनी चाहिए। आज मेरा मूड हुआ कि यार मैं साइकिल चलाता हूँ। हमारे पता है क्या, अक्सर हमारे घरों में बाइक्स हैं, हम दही लेने जाते हैं तो बाइक पे जा रहे हैं, हम दूध डबल रोटी लेने जा रहे हैं तो गाड़ी निकाल ली, किसी के पास अगर बाइक नहीं है तो वो गाड़ी पे जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पास एक साइकिल भी होनी चाहिए। हमें कहीं पर भी करीब करीब जाना हो तो हम अपनी साइकिल यूज़ करें, हमें अपनी उसकी गाड़ी की या बाइक की ज़रूरत नहीं है। इससे ये होगा कि हमारे जो बड़े बड़े पीट निकले हैं वो कम हो जाएंगे, और ज़्यादातर जो नौजवान हमारी नस्ल है उनके भी रात को खा खा के सो जाते हैं और फिर उनके इतने बड़े बड़े पेट निकल आते हैं। शादी से पहले पेट निकले हुए होते हैं, कुछ लोगों को शादी के बाद निकलते हैं। तो ये जो पेट का मसला है ना, इसके सिर्फ एक ही हल है और वो है या तो वॉक या फिर साइकिलिंग। जापान और अगर आप चाइना की बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आप देखें वहाँ पर लोग जो है ना साइकिलिंग के सफ़र करते हैं। मैं अक्सर दुबई जाता हूँ तो दुबई में ज़्यादातर लोग वॉक कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग साइकिल भी, वहाँ स्कूटी भी होती हैं लेकिन वॉक ज़्यादा होती है वहाँ पर, और पैदल चलना उनका मशगला होता है, मतलब जितना दूर दूर तक पैदल चल रहे होते हैं। हमारा जो है ना, हमारे अगर आप शहर कराची की बात करें, क्योंकि हमारी जो रातें हैं ना वो जागती हैं और दिन सोते हैं, तो हमारी रूटीन ये होती है कि हम देर से सो रहे होते हैं और देर से उठ रहे होते हैं। जिनको ऑफ़िस जाना होता है वो जल्दी उठ जाते हैं, और रूटीन ये है कि जिनको सुबह ऑफ़िस भी जाना होता है ना, वो भी तीन बजे से पहले नहीं सोते। वो कोशिश कर लें कितनी, मुझे सुबह उठना होता है 6 बजे, बच्चे 6:15 बजे बच्चे अलार्म हमारा बज जाता है, बच्चे उठ जाते हैं, लेकिन ये कि अलार्म के साथ मैं भी उठ जाता हूँ। लेकिन जितने 2 बजे सोऊँ या 3 बजे, लेकिन मेरी आँख सुबह जल्दी खुल जाती है बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और अलार्म बजता है तो हम सब भी उठ जाते हैं। यहाँ पर नया नाजाबाद में आपको पता है जब भी कोई शिफ्ट होता है तो सबसे पहले वो साइकिल लेता है सबसे पहले। यहाँ पर जो सबसे जो लोगों की हॉबीज़ हैं वो एक तो वॉक करना है, ज़्यादातर लोग वॉक करते हैं अपनी फैमिली के साथ या ख़ुद भी, और जो बच्चे हैं वो फौरन यहाँ पर उनको साइकिल चाहिए होती है, साइकिल ख़रीद लेते हैं। फिर उसके बाद अगर ज़्यादा शौक़ है स्पोर्ट्स का तो वो स्केटिंग शूज़ ले लेते हैं। यहाँ पर स्केटिंग का भी बहुत बड़ा मतलब ग्राउंड है, यहाँ पर फुटबॉल, यहाँ पर बास्केटबॉल है, वहाँ पर स्केटिंग सिखाई जाती है। तो ये जगह ऐसी है यहाँ पर साइकिलिंग, यहाँ पर स्केटिंग, यहाँ पर वॉक, यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती हैं। और शहर कराची की बात करें तो वहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ आप ना वॉक कर सकते हैं ना साइकिल चला सकते हैं। मैं जब शादमान में था तो मैं सुबह या दोपहर में रात में साइकिल चलाता था तो वहाँ मेरे कुत्ते भी छलक जाते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र आज मैंने काफ़ी दिनों बाद साइकिल चलाई है और बड़ा मज़ा आया। और मैं सोच रहा हूँ कि साइकिल चलानी चाहिए, भाई मैं वॉक तो करता हूँ लेकिन अब साइकिल भी चलाऊँगा, कभी शाम में कभी सुबह मॉर्निंग वॉक में। तो आज हमने अपनी मॉर्निंग वॉक में साइकिल चलाई है और साइकिल का अपना ही मज़ा है भाई, ये समझ लें जैसे जिम में आप साइकिलिंग करते हैं ना ऐसे ही आपने यहाँ साइकिल चला ली। तो तकरीबन आधे से पौन घंटा मैंने साइकिल चलाई है, काफ़ी चक्कर लगाए और बड़ा मज़ा आया। सुबह बहुत खूबसूरत है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, बच्चों के पेपर हो रहे हैं, बस 2-3 पेपर रह गए हैं, ख़त्म होने वाले हैं, उसके बाद हल्ला गुल्ला मौज मस्ती शुरू हो जाएगी हमारी, और फिर ज़रा अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे, क्योंकि बच्चे जब पेपर हो रहे होते हैं ना तो मैं बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करता, खुद ही व्लॉग बनाते रहता हूँ। तो ये सीन है, अभी चलते हैं, सोते हैं, फिर उठेंगे, फिर उसके बाद बच्चे आ जाएंगे, फिर बच्चों के साथ ज़रा इन्जॉय करेंगे। सही है भाई, तो शेयरिंग को लाइक फॉलो सब्सक्राइब ना छोड़ो, तब तक के लिए शायरी की दुनिया।